रीवा जिले में झूठे मामले दर्ज कराने का जमकर प्रचलन है। पुलिस प्रशासन भी किसी ना किसी के दबाव में आकर झूठे मामले दर्ज कर देती है, जिसका परिणाम यह है कि थानों से लेकर न्यायालय तक इस तरह के मामलों की भरमार है। ताजा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हरदी निवासी शिवशंकर सेन ने बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दुकान पहुंचे मनीष प्रजापति ने उसके काउंटर में रखे 25,000 रुपए लूट कर ले गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने अपने बल के साथ दबिश दी और मनीष प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो पूरा मामला झूठा निकला। दोनों पक्षों को सामने बैठा कर बातचीत की गई तो जानकारी हुई कि दोनों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है और न्यायालय ने शिवशंकर सेन के परिवार को अपनी दुकान हटाने का निर्देश दे दिया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी नोटिस जारी कर चुका है। पुरानी रंजिश और बाल बनवाने को लेकर हुए विवाद में शिवशंकर सेन ने झूठी शिकायत की है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने क्या जानकारी दी है। जी हाँ, ये अभी सुबह 11 बजे के लगभग शिवशंकर सेन निवासी बड़ी हरदी थाने पर उपस्थित आया। पता है कि ये बार-बार की दुकान हरदी में चलाता है, वहाँ पे मनीष प्रजापति नाम का एक युवक उसकी दुकान पे बाल बनवाने के लिए आया। वो जहाँ पे कुछ 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे वेटिंग में बाल बनवाने के लिए, तो बोला कि टाइम लगेगा बाल बनने में, तो वो इंतज़ार नहीं किया, इससे लड़ाई झगड़ा किया, इससे लपटी लपटा हुआ दोनों के बीच में। और इसका ये कहना है शिवशंकर सेन का कि उसके गले में 25,000 रुपये जो टेंट हाउस का कोई पुराना पैसा देने के लिए रखा था, तो उसको लेके मनीष प्रजापति भाग गया। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, तत्काल पुलिस ने उसी घटना फरियाद को सुना और अनावेदक मनीष प्रजापति को तत्काल तलाश करके उसको भी लाया गया, पूछताछ की गई, घटना की तस्दीक की गई, तो पाया जे गया कि ये सेन परिवार जो है और लाला राम प्रजापति जो मनीष प्रजापति के पिताजी हैं, इनके बीच में एक ज़मीन का विवाद चलपुर से विद्यमान है, चल रहा है, जिसमें सेन परिवार शिवशंकर सेन, आनंद कुमार सेन, बाबूलाल सेन को उस ज़मीन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको बेदखली का आदेश हो चुका है। अवैध कब्जा होना इनका प्रमाणित पाया गया है माननीय न्यायालय में और इनको कब्जा हटाने का कई बार प्रयास किया जा चुका है माननीय राजस्व अधिकारियों द्वारा। उसी जमीन को, लैंड को लेके ये सेन परिवार जो है उसमें अवैध रूप से मवेशी बांधना, अतिक्रमण करना उस ज़मीन पे बदस्तूर जारी है। उसी को मना करने के लिए मनीष सेन गया था इनके पास में कि आप अपने मवेशी ऐसे विवादित जगह से आप हटा लीजिए, उस पर कब्जा मत करिए। इसी बात को लेके ये फर्जी रिपोर्ट शिवशंकर सेन द्वारा लूट की करना बताई गई फर्जी, उसको गंभीर अपराध में फंसाने के लिए एक हरियाणा आदिवासी युवक को, और जबकि मनीष प्रजापति एक हाथ से हैंडीक्राफ्ट है, एक हाथ उसका विकलांग है और वो एक पढ़ने वाला लिखने वाला होनहार छात्र है, वर्तमान में ITI कर रहा है। इस तरह से एक हरियाणा आदिवासी को फर्जी रिपोर्ट करके गंभीर अपराध में फंसाने का पूरा प्रयास किया गया जमीन की विवाद को लेके। लिहाजा इन आनंद कुमार सेन, शिवशंकर सेन और बाबूलाल सेन के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है और लूट की रिपोर्ट इनकी फर्जी पाई गई है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.